आज वाराणसी जिले में डी बाबा मंदिर है, देख सकते हमारे पीछे ये पहाड़िया में है। यहाँ पे मेढक और मेढकी दोनों को एक अनोखी शादी किया गया ताकि बारिश बहुत जल्द से जल्द हो। लेकिन फिलहाल हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मन में कैसे आया कि हम मेढक और मेढकी की शादी करेंगे तो बारिश होगी। यहाँ मेंढक और मेंढकी की शादी हो रही है ताकि मेघराज प्रसन्न हो सके और जल धरती को थोड़ा ठंडा कर सके। इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। हमने शादी करवाई है अपने पति के साथ मिलके ताकि सब अच्छे से सब कुछ हो सके। प्राणी ग्रहण करवाया है। मेंढक और मेंढकी की अनोखी शादी की गई है तो इसका क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य यही रहा है कि पानी गिरने की वजह से, पानी नहीं गिरा, तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए कि भगवान के उनके कराएं श्रद्धा भाव से, इसलिए भगवान कृपा करें कि वर्षा हो जल्दी से जल्दी। अब वैज्ञानिक ने तो 4-5 दिन का समय दिया है, देखिए, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन इसको कराने से, हम भी बहुत पहले बच्चे में थे, सुने थे कि मेंढक मेंढकी का विवाह होता है, कि नाच गान शंकर, जैसे हनुमान जी के मंदिर में, शंकर जी का जहाँ मंदिर वहाँ तो भगवान कृपा अवश्य करते हैं, वर्षा होती ज़रूर है। गर्मी के कारण पारा 50 के ऊपर है, बारिश हो नहीं रही है जिससे थोड़ी राहत मिले तो लोग लग गए हैं तरह तरह के टोटके करके इंद्र देवता को खुश करने में। कहीं महिलाएं खेत में हल चलाती हैं तो कहीं पेड़ के नीचे खाना बनाती हैं और अब लोग मेंढक मेंढकी की शादी करा रहे हैं। लेकिन कोई इन्हें समझाए, बारिश के लिए पेड़ पौधे जरूरी हैं, अंधविश्वास नहीं। क्या आपके यहाँ भी इस तरह के कोई टोटके चलन में हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक हम बारिश का इंतज़ार करते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।